संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रिया का अटैक जरूर होता है जी, लेकिन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कुछ नहीं है जी जी, एकदम क्लीन है। हाँ, एकदम क्लीन है। नहीं तो अल्टरनेरिया जो आती है तो उसके लिए फंजीसाइड, किसी भी फंजीसाइड का जो मिल जाए आप उसका स्प्रे मार देते हैं जी, और वो एक स्प्रे में ज़्यादा से ज़्यादा दो स्प्रे में बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। अभी फिलहाल ना तो इसमें कहीं जिंक की कमी दिखाई दे रही है अभी जी, और ना नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही है, कोई सी चीज़ कोई कमी दिखाई नहीं दे रही फिलहाल, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सुनिए बिल्कुल तनुज सिंह सुनिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बस कमी यही दिखाई दे रही है कि इसमें जो है वो प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, अरे घना है ये तो होके ऐसा लग रहा है पत्ते उत्ते फैल रहे हैं। बहुत अच्छी है इसमें, नहीं ट्रिलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब कटाई हो जाए तब इसके बाद जो जड़ें देखते हैं उस समय जो बचती हैं उनसे पता लगता है कि इसमें प्लांट पॉपुलेशन की स्थिति क्या थी। एक वर्ग मीटर, सुनो, एक मीटर ऐसा, एक मीटर, एक वर्ग मीटर में आप देख लें कि आपको कम से कम 450 से 500 बालियां मिलनी चाहिए, 500 तब आपको उस प्रजाति की। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अब आप सारा बताइए। हाँ, इस समय हम लखनऊ जिले की मोहनलालगंज तहसील के मोहनलालगंज ब्लॉक और उसमें परहटा गांव में है तनु सिंह के खेत पर, और यहां पर गेहूं की फसल लगी हुई है, और मैं समझता हूं कि ये गेहूं की फसल जो है समय से बोई गई गेहूं की फसल है। मैं चाहूंगा कि आप इसको करीब से दिखाएं कि ये जो है फसल बहुत अच्छी है, और समय से बुआई के कारण फसल में सिंचाई हुई है, इसमें टॉप ड्रेसिंग भी हो गई है और बहुत अच्छी फसल चल रही है। लेकिन चूँकि इस समय मौसम जो है काफ़ी प्रतिकूल चल रहा है, टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से डाउन हो रहा है, कोहरा पड़ रहा है सुबह शाम, और रात में जो है टेम्परेचर बहुत डाउन, लगभग 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, 3 डिग्री भी लखनऊ में टेम्परेचर हुआ था, तो इस समय कुछ बीमारियां और बीमारियों का प्रकोप गेहूं पर हो सकता है, वो टेम्परेचर के कारण भी, और इस समय जो फंगल बीमारियाँ भी लग सकती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा उपाध्याय साहब से कि पहले तो ये बताएं कि इस फसल की स्थिति क्या है और इसमें पोषक तत्वों से संबंधित क्या कुछ आपको कमियां नजर आ रही हैं, अथवा फसल अच्छी है। जाइए 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 तुरंत, कुछ जानवर जानवर है। इस समय फसल की स्थिति बहुत अच्छी है जी, और जैसा कि इसे घूम फिर के पूरा क्षेत्र देख लिया जी, इस समय इसमें कोई बीमारी नहीं है जी जी, और किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी के कोई सिम्टम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, आगे चल के अगर नाइट्रोजन ज्यादा लगती है जब जी, तब इसके बाद गेहूं में अल्टरनेरिया का अटैक आता है, और उसमें उसकी पहचान ये है कि उसकी जो नीचे की पत्ती हैं वो झुलसी हुई सी लगने लगती है। इसमें जो ये पत्तियां कुछ जो है पीली दिखाई दे रही हैं, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पीलापन है इसमें, नहीं नहीं, ये तो शुरू की पत्ती, जो पहली पत्ती निकलती है ये बहरहाल, ये इसमें कोई कमी नहीं, अल्टरनेरिया नहीं है, अल्टरनेरिया नहीं है जी जी जी। अभी जो है अल्टरनेरिया, जब ये और यूरिया देंगे तब अल्टरनेरिया आ सकती है जी, और उसके लिए ये है कि कोई सा फंजीसाइड फिर स्प्रे कर देंगे, उससे वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ नहीं है और बहुत बढ़िया है। लेकिन यही तो है ये कि जरूरी नहीं है कि इसमें यूरिया का प्रयोग जो है किया ही जाए, क्योंकि फसल बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या जरूरी है कि यूरिया का प्रयोग किया ही जाए? इसलिए यूरिया का प्रयोग बेस्ट ये रहता है कि जितनी यूरिया दे रहे हैं जी उतनी ही दें, लेकिन उसे 3 बार में दें, एक क्राउन रूट इनिशिएशन पर ताजमूल अवस्था में, एक फिर टिलरिंग की अवस्था में, और एक लास्ट डोज जो है तीसरी खुराक उसकी नाइट्रोजन की यूरिया के रूप में, वो तब दें जब बाल निकलने को, बाल गाभे में हो, निकलने को उस समय दे दें, तब सारी बाल एक साथ निकल आएंगी, और इसके बाद फिर कोई खाद नहीं देना चाहिए। यानी जब टिलरिंग जो है वो निकलने की, उसके बाद उसमें बाल निकलती है टिलर में, तो उस समय जो है यूरिया की आवश्यकता होती है। तो निश्चित तौर पे जो 120/40 का रिकमेंडेशन है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का,
तो उसी के रेशियो में जो है प्रयोग करें, इससे ज्यादा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, और दूसरी चीज नहीं, जब ये तो अरे प्रगतिशील किसान है, अगर इन्होंने मिट्टी का टेस्ट करा लिया है, कराया है तो जितना उसके बाद बताई गई है उतनी नाइट्रोजन को तीन हिस्सों में बांट के करें। आपने जो है तनुज जी सॉइल टेस्टिंग कराई थी इसकी? जी जी कराया था, इन्होंने कार्ड रखा है और उसके हिसाब से ही ये उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। जो बताया है उतना ही करिए, लेकिन तीन बार में, एक बार आप पहली टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं, एक इसके बाद अगला पानी दें तब करिए, और आखिरी तब करिए जब बाल गाभे में हो, निकलने को चीकुर दिखाई देने लगे, तब इसके बाद समझिए कि अब जब आप उसे कर देंगे तो सारी बाल एक साथ निकल आएंगे, इसके बाद फिर कोई खाद नहीं दी जाएगी। बात पीपी श्रीवास्तव जी, आप ये बताएं कि अभी जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है जी, तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है ऐसी स्थितियों में किसानों को क्या सावधानी? देखें, सबसे अच्छी बात है कि फसल तो बहुत अच्छी चल रही है, सुखद अनुभव हो रहा है, और जब तापक्रम नीचे गिरता है तो खास तौर से गेहूं की फसल के लिए वो बहुत मुफीद होता है, बहुत अच्छा होता है। और जो पहले अनुभव करते थे हम लोग, येलो रस्ट हो जाता था, अल्टरनेरिया की समस्या आती थी, तो अब येलो रस्ट तो लगभग लगभग हमारे मैदानी क्षेत्रों से समाप्त है। और के जो हमारे जिला मैंने मैदानी की बात कही, मैदानी तो हमारे मैदानी क्षेत्र में उसकी समस्या नहीं है, और जो प्रजातियां विकसित की गई हैं जी, जितनी भी इस समय, चाहे 2967 की बात करें, चाहे कर्ण वंदना की बात करें, कर्ण नरेंद्र की बात करें, इन सबको उससे दूर रखा गया है। अब रही बात अल्टरनेरिया की, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब कई बार किसान भाई बिना सोचे समझे अधिक से अधिक नाइट्रोजन माने यूरिया के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे देखिए और तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो कहते हैं कि कास्ट तो बढ़ ही जाती है, किसान की जेब घटती है माने कमजोर हो जाती है, और साथ ही साथ कुछ परेशानियां भी आती हैं जिसके कारण हमको फंजीसाइड्स के प्रयोग करने की संस्तुति दी जाती है, लेकिन बिना सोचे समझे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अक्सर अक्सर फोन आया करता है कि आप कृषि वैज्ञानिक, आप कृषि विभाग वाले तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बताते हो, और आके खेत पर तो देखो। और अभी हम लोग सिंह साहब के खेत पर हैं, ये दौड़ करके गए सांड को भगाने के लिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दो चार हमारे किसान भाई रात में भी होते हैं, ठंड का मौसम है, और मार्ग में कई जगह पे नील गाय, जिसको हम लोग गाय तो नहीं है, वो घनरोज है, वो नील घोड़ा है, वो भी दिखाई देते हैं और वो भी तंग करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है भैया, और जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं वो यदि ये इस बात को करें तो इससे उनको राहत मिलेगी। देखिए, ये जानवर हैं, ये जंगल के जानवर हैं, कुछ हमारे पशु भी हैं जो कई बार किसानों की गलती से छूट जाते हैं तो वो चर लेते हैं, इसमें बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और कहा भी गया है कि जो पंछी है वह नीर पी ले तो नदी का जल नहीं घटता है, तो हमारे जो पशु पक्षी हैं इनको इसको जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, जब कमी होती है तो वो आ जाते हैं। लेकिन करें क्या, देखें आप कुछ लहसुन ले लें, लगभग एक पाव लहसुन ले लें, और गाय का मूत्र 4-5 किलो यदि आप कलेक्ट कर सकें, तो कलेक्ट क्या, सभी लोग जानवर रखते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो उसको ले लें और उसमें आप 2-2.5 किलो लहसुन कूट करके उसी में डाल दें, थोड़ा सा हींग, जो हींग खाते हैं हम लोग, उसको डाल दें उसके अंदर, और एक जो भांग का पौधा होता है या गांजा का पौधा होता है जिसमें जिसकी पत्तियों से एक हींक आती है, उसको थोड़ा सा तोड़ करके उसी में कूच कुचा करके डाल दें, और उसको 2-3 दिन तक रोक दें, और उसको एक कपड़े से या टाट से या बोरे से ढक दें। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आप पूछा गया कि भाई खेत तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारा खेत तब बहुत अच्छा चलता है जब हम खेत के मेड़ पर हर रोज़ घूमते हैं, पौधों से हमारी बातचीत होती है, हमारी फसलें अपनी समस्याएं बताती हैं, तब हम उनका निदान करते हैं। अब जो जानवरों की बात है, यदि उनका आप एक कपड़ा एक लकड़ी में लपेट लें, डंडे में, और उसमें भिगो लें उस पानी को, और धीरे 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 चारों तरफ यदि आप उसका हल्का सा छिड़काव कर दें, तो उसकी हींक से ये जो नील घोड़ा है, घनरोज जिसको कहते हैं, या जो ये हमारे छुट्टे जानवर हैं, ये उसके कई बार बदबू से वो हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो ये सब एक तरीका है। दूसरा ये है मेड़ पर जो है छिड़काव करने छिड़काव कर ले, दूसरा वो लाभकारी है,
हमारी फसलों के लिए भी लाभकारी है, तो ये दोनों लाभ कर सकते हैं। बाकी तो किसान भाई हर तरह के यत्न करते हैं, कहीं बुत खड़ा करते हैं, कहीं स्वयं भी परेशान होते हैं, लेकिन ये जो कुछ किसान भाइयों ने इसको अपने खेत पर करके सिद्ध किया और उन्हीं से हम लोगों ने सीखा, तो इस काम को भी आप कर सकते हैं। तो इस समय जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है? हाँ, निश्चित रूप से लाभकारी है। गेहूं की फसल में फिलहाल कोई बीमारी जो है इस तरह की नहीं है, नहीं है। अल्टरनेरिया, लेकिन ये एक चीज और भी है, जिन किसान जहाँ से नहरी क्षेत्र में जहाँ गुजरते हैं लोग, पानी जो है जब नहर से आता है तो ज़्यादा ही ज़्यादा पानी डाल देते हैं। जी जी। और यूरिया का जैसा कि अधिकाधिक लोग है एक दूसरे को देख करके प्रयोग कर देते हैं, तो इसको भी ना करें, पानी उतना ही डालें जिससे कि पौधे का जड़ क्षेत्र जो है भीगे। देखें सर, इसमें भ्रम होता है और कई बार नहरी क्षेत्र के अलावा भी किसान भाई जब पानी सिंचाई करते हैं फ्लड इरिगेशन, तो जब ज्यादा लगा देते हैं तो एक झटका लगता है। अभी उपाध्याय साहब ने बताया भी, तो उसमें क्या है कि जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, तो देखा ये गया है कि जल जमाव के कारण पीली पत्तियां पड़ती हैं और जिंक की कमी के कारण भी पत्तियां पीली पड़ती हैं और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इस बात को इंश्योर कर लें, जान लें और सलाह ले लें कि भाई यदि हमने पानी ऐसे ही खुला छोड़ दिया, फ्लडेड जो कह दिया या नहरी किनारों जैसा आप बता रहे हैं, तो वहां पर जब होगा तो निश्चित रूप से वो जल जमाव के कारण पत्तियां पीली पड़ी हैं, उसमें ना कोई रोग है न सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। लेकिन यदि जल जमाव न होने के कारण पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आरंभिक या एक झटके में ये कहा जा सकता है कि वहां पर जिंक की कमी की संभावना हो। तो जिंक की प्रायः उत्तर प्रदेश के लगभग गेहूं के हर क्षेत्र में गेहूं जिंक की कमी नजर आती है, तो उसमें कहा जाता है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको मिला है, जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा प्रयास करके दिलाया, उसको एक बार पलट लें और देख लें कि जिंक की कमी है, तो जिंक सल्फेट और यूरिया दोनों का मिला करके एक स्प्रे कर दें, तो उनकी फसल बिल्कुल लहलहा जाएगी। और जैसा हम लोग देख रहे हैं, उम्मीद है कि अब की बार पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं की अच्छी उत्पादकता प्राप्त करेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस समय गेहूं की फसल बहुत अच्छी है और तापक्रम जो डाउन हो रहा है ये गेहूं के लिए लाभप्रद ही होने वाला है, और यह और भी अगर एक्सटेंड करेगा, जितनी सर्दी अच्छी पड़ेगी और टेम्परेचर धीरे 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 जो है कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो गेहूं की फसल के लिए अच्छे मतलब लक्षण है और गेहूं की उपज अच्छी प्राप्त होगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, किसानों को जैसा कि राय अभी दी गई हमारे विशेषज्ञों द्वारा कि खेत का निरीक्षण करते रहें, अपने खेत की दशा को देखते रहें, खेत से संवाद करते रहें, ताकि आपके खेत में अगर कोई कमी होगी तो खेत खुद बताएगा, तो इसके अनुसार विशेषज्ञों से राय लेकर के अपने खेत की जब देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर नहीं लगा बहुत अच्छी होगी और आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। आपकी विशेषज्ञों ने जो हमें जानकारी अच्छी दी है, उससे जो है निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों को पानी लाभ होगा नहीं, और अगर कोई समस्या होती है तो आप अवश्य संवाद करें अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से, विशेषज्ञों से मिल करके उसका निदान आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत ही है कि लगा दो तब भी कोई टेंशन नहीं।